गाइस, आपकी पुरानी यादें ताज़ा करने का एक मौका मिला तो सोचा आपको कुछ फील करवाते हैं पुराना। तो गाइस, 16 से 35 तक जो एज है वो बड़ी ही फास्ट निकल जाती है और हमेशा बंदा भागता रहता है एक डेस्टिनेशन की तरफ, यार ये करना है, ये करियर ग्रोथ के लिए सब कुछ, तो काफ़ी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुक, तो ये आपको शायद कुछ बीते समय में ले जाए, पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाए। ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है पुच, वर्ल्ड फेमस, बहुत ही लेजेंडरी मोपेड्स इन्होंने निकाली हैं और हमारी कलेक्शन में कुछ ऐसी मोपेड्स और आने वाली हैं जो कि इंडिया में नहीं देखी होगी किसी ने, नेट पे अवेलेबल है बट इंडिया में वो कुछ रेयरस्ट और रेयरेस्ट पीसीज आने वाले हैं हमारी कलेक्शन में, वो भी आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा जल्दी। तो ऑस्ट्रियन ब्रांड है पुच, उन्होंने कोलेब्रेशन की हीरो मोटर्स के साथ और उन्होंने निकाली यहाँ पर हीरो पुक, जिसको पुक भी बोलते हैं हम। तो ये 88 में लॉन्च हुई थी और इस गाड़ी के दो तीन वेरिएंट थे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये है स्पोर्ट मॉडल था उनका, यू कैन से इफ़ यू सी, इसके अलॉय व्हील भी लगे हुए हैं ओके। और इसकी खासियत, बहुत सारी खासियत है बॉडी में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, इसकी साउंड सुनाएंगे, इसको चला के देखेंगे। ये रिसेंटली रेस्क्यू किया है हमने। तो बेसिकली डिज़ाइन जो है, इंजन जो है वो है ऑस्ट्रियन इंजन की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और वाकई 4.2 BHP इसकी पिकअप है, यू कैन से 65 cc इंजन में, तो बहुत ज़्यादा है। आई स्टिल रिमेंबर द डे मेरे मामा जी के पास थी ये, उन्होंने उस समय मेरे सिस्टर को लेके दी थी। तो हम जब, हमारा एक डिज़ायर रहता था कि यार इसको चला के देखें कि बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बट वो हमें बोलते थे नहीं 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 यार, इसकी पिकअप बहुत ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंट कर लोगे, तो हम अवॉइड करते थे इसको चलाना, हालांकि स्कूटर चला लेते थे। वाकई इसकी पिकअप ज़्यादा है उस समय के कंपेरेटिव में। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने, मैंने कम्युनिटी में इसकी पोस्ट डाली थी, उन्होंने बहुत ही सही कमेंट किया था वहाँ पे, KTM ऑफ 90s। तो जैसे आज के समय में हम तवज्जो देते हैं KTM को कि पिकअप के मामले में, तो उस समय का ये था KTM। दिखाते हैं आपको गाइस कि इसमें क्या है खास। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई हीरो पुच टर्बो स्पोर्ट मॉडल 65 cc। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, पुच एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जिसका कोलेब्रेशन हुआ था 1988 में विद हीरो मोटर्स, तो उन्होंने निकाली थी ये हीरो पुच। तो ये हमने रेस्क्यू की है रिसेंटली और काफ़ी यू कैन से अच्छी कंडीशन है इसकी, जेन्युइनली 6000 किलोमीटर चली हुई है ये। और इसकी खासियत क्या है, एक तो इसकी जो लुक है, देखिए आप, बड़ी ही बेहतरीन लुक है इस गाड़ी की, अलॉय व्हील्स हैं इसमें और टोटल ऑन इसकी जो बॉडी है वो इंटैक्ट पड़ी है अभी तक, जेन्युइनली इट्स 6300 किलोमीटर रिटर्न। तो ये देखिए कितनी प्यारी है ये गाड़ी, इस पे मोर ओवर पाइनियर बॉक्स भी लगा हुआ है, देखिए देखिए, गाड़ी की सस्पेंशन बहुत इसकी बेहतरीन है और नॉर्मल पुच से ये डिफरेंट कैसे थी, इसकी थोड़ी लुक थी, एक स्पोर्टी बनाई हुई है, देखिए आप
अलॉय व्हील्स हो गए, और ये इसका आगे एक इन्होंने लगा रखा है विंडशील्ड टाइप में, और ये जो इसकी यू कैन से कलरिंग कलर कॉम्बिनेशन देखिए बाइक का, वाइट थीम दे रखा है इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे भी PUCH पुछ लिखा हुआ है। इसकी और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसके टर्न इंडिकेटर्स, ये हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स दोनों तरफ हैं, और मोर ओवर फॉक्स के, इसके फॉक हैं जो फ्रंट फॉक, इसके ऊपर भी पुछ लिखा हुआ है। तो देखिए गाइस, ये पॉकेट में रॉकेट, जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ, गाड़ी थी उस समय की। चलिए इसकी साउंड सुनाते हैं आपको, इसकी साउंड सुनाते हैं आपको। बताया आपको इसमें दो मॉडल आए थे, वन इज ऑटोमेटिक एंड अदर वन इज मैनुअल गियर्स। तो ये ऑटोमेटिक है, और इसमें भी क्या है, थोड़ी इसकी जो फ्यूल टैंक है वो क्लीन होने वाला था, तो दैट्स द रीज़न हमने ये बॉटल एक्सटर्नल लगाई हुई है इसके साथ, देखिए। और एक ही और एक और इसकी बड़ी खूबसूरत चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ये जो है ना इसके के लाइट के आजू बाजू इसके जो है, ये है इसके इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर्स। देखिए ये इंडिकेटर की नोब है, ऊपर से राइट नीचे का लेफ्ट, ये देखिए। अब इसको जलाते हैं तो पीछे वाला इंडिकेटर, ये देखिए इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। तो ये भी इसकी क्या है, खूबसूरती है। ऐसे यहाँ से इसकी लाइट ऑन ऑफ होती है, ठीक है। तो हमने लाइट जो है इसकी, लाइट के नीचे स्विच के ऊपर की है, इसको भी घुमाना पड़ता है, ये देखिए। तो ये लाइट इसकी, और ये देखिए गाइस, साउंड सुनिए, इंजन में कोई नॉइस नहीं है, एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है। गाइज ये थी हमारी हीरो पुक, और बड़ी ही लाजवाब गाड़ी है ये, बहुत ही मज़ा आया इसको चला के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही कुछ ऐसे पुक के मॉडल आपको मैं दिखाने वाला हूँ जो कि इंडिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। और एक ऐसी पुक आने वाली है बहुत ही जल्दी, जो इंडिया में सिर्फ एक है, और वो हमारी कलेक्शन में आने वाली है। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।